आपके व्यक्तित्व के बारे में, आपके थोड़ा दर्शकों को पता लगेगा आपका इंट्रोड्यूस, अब आप कहाँ से बिलोंग करते हैं आप? सभी लोगों को नमस्कार। मेरा नाम श्रीराम डाल्टन है और मैं झारखंड का रहने वाला हूं और 2002 से यहां मुंबई में फिल्मों में मैं काम करता रहा और कुछ फिल्में बनाई हैं अभी और कुछ नए काम करने जा रहा हूं। श्रीराम डाल्टन साहब आपसे जानना चाहेंगे, सर आपका नाम श्री राम कुमार है जैसे मैं पता किया, और सर लेकिन ये डाल्टन का कहां से आ गया, डाल्टन क्या है? ये हाँ आपने ठीक कहा, मेरा नाम श्रीराम कुमार है लेकिन मुंबई ने मुझे ये नाम दिया है। इनफैक्ट मिस्टर अशोक मेहता जो मेरे गुरु जी रहे हैं उनका दिया हुआ नाम है ये, तो इसके साथ एक सुंदर वाक्या है। मैं उनको असिस्ट करता था और मेरे कलीग्स उनके देखा देखी मुझे चाचू मुझे मिस्टर अशोक मेहता मुझे रामलाल के नाम से पुकारते थे सेट पे, रामलाल रामलाल ये लेकर के आओ, रामलाल वो लेकर के आओ। मैं भागता रहता था अपने साथी जितेंद्र के साथ। तो मुझे मैं देखता मुझे बाकी टीम मेंबर्स से मुझे रामलाल रामलाल हाँ पुकारना शुरू कर दिए थे। तो मैंने एक दिन मैं थोड़ा परेशान था, मैंने चाचू को बोला कि चाचू मेरा नाम ये लोग सब रामलाल बुला रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि हाँ कितना अच्छा तो नाम है, क्या प्रॉब्लम है? तो चाचू पर मेरा नाम ये है रही, हाँ श्री रामलाल रामलाल कितना बढ़िया है। कि मेरा चाचू मेरा नाम श्रीराम है और श्रीराम के साथ कुमार कैसा लगेगा, हाँ तो हाँ टाइगर आदमी है और श्रीराम के साथ कुमार। तो फिर बैठ करके उन्होंने हाँ कैसे पता क्या रखना चाहता है, तो कई तरह की बातें हुई, उसमें एक बात निकल के आया कि मैं डाल्टनज का रहने वाला हूँ। तो वहाँ से डाल्टन है जो हाँ डाल्टन श्रीराम डाल्टन ऐसा एक कॉम्बिनेशन सर ने सुझाया, ये अच्छा तो लग रहा है हाँ हिंदी इंग्लिश तो, और ठीक था मुझे भी अच्छा लगा। कि एक जो एक समस्या थी कि भाई आप कहाँ के रहने वाले हैं, तो झारखंड के, झारखंड में कहाँ डाल्टनज के, डाल्टनज कहाँ है, तो मैंने वो चैप्टर ही क्लोज कर दिया कि श्रीराम डाल्टन ढूंढते रहो भाई, वो डाल्टन क्या है और डाल्टनगंज क्या है और डाल्टनगंज कहाँ है। तो अब जैसे झारखंड में मेरा 10th 12th का पढ़ाई हुआ, उसके बाद जब मैं निकला तो अब बेसिकली मैं एक लाइफ के एक फेज से मैं गुजर रहा था जहाँ पे बच्चों के दिमाग में एक सवाल होता है कि हाँ क्या करना है लाइफ में, आगे क्या करना है। तो इन सवालों से मैं भी जूझ रहा था, लेकिन मेरे पिताजी ने मेरा ये आर्ट का जो एक पक्ष है, कलात्मक जो पक्ष है, उसको मेरे पिताजी ने जाना समझा और मुझे दरअसल गाइड किया कि मैं अपने इस पार्ट पे काम करूं, और मुझे BHU लेकर के आया और वहां पे मैंने फाइन आर्ट्स ज्वाइन किया। तो फाइन आर्ट्स ज्वाइन किया तो पेंटिंग और स्कल्पचर, ये दो चीज़ों में मैंने लंबा काम किया, पर मेरा बाद का स्पेशलाइजेशन रहा कॉमर्शियल आर्ट, अप्लाइड आर्ट। तो अप्लाइड आर्ट में करने के दौरान वो बेसिकली एडवर्टाइजिंग और चीज़ों को डिज़ाइन करना और मार्केटिंग करना, उस लिहाज से चीज़ों को सोचना, तो वो हमारा स्पेशलाइजेशन था। तो काम उस पर कर रहे थे और इस बीच फोटोग्राफी की लत लगी मुझे, क्योंकि कॉमर्शियल आर्ट में आकर के पेंटिंग और स्कल्पचर से थोड़ी दूरी बनी मेरी,
दूरी बनी तो एक छटपटाहट भी रहा कि अरे यार कहीं ये एडवर्टाइजिंग और इन सब चीज़ों के चक्कर में कहीं वो कलात्मक पक्ष छूट ना जाए। तो अब क्लास में पेंटिंग और स्कल्पचर का मौका तो नहीं मिलता था, लेकिन फोटोग्राफी एक ऐसा मीडियम था जहाँ पे एक सेटिस्फैक्शन मैं ढूंढता था, हाँ, अपने फ्रेम में, कॉम्पोजिशन में, ग्राफिक कॉम्पोजिशन में, कलर्स में। तो अब वही लगता था कि चीज़ें जो अवेलेबल है उसको रिक्रिएट करने की क्या ज़रूरत है, जो है उसको कैच करने की ज़रूरत है। दुनिया में इतनी चीज़ें उपलब्ध हैं, उसमें से बेस्ट हम अपन क्या कंपोज कर सकते हैं, बेस्ट टुकड़ा क्या काट के निकाल सकते हैं। तो वो एक प्रैक्टिस हमारी रही, और ये प्रैक्टिस जो है एक ये भूख है जो बहुत आगे की तरफ ले करके गया। शुरू में तो अब जो भी फोटोग्राफी हम करते थे उसका एग्जीबिशंस वगैरह किया करते थे, तो आर्ट गैलरीज वगैरह में हम एग्जीबिशंस वगैरह किया करते थे, तो उसमें बहुत सारे क्रिटिक्स, आर्ट लवर, हाँ, और जर्नलिस्ट वगैरह सब लोग उसमें अपनी बात रखते थे, लोगों को पसंद आता था। लेकिन वो भूख और बढ़ती ही गई। वो एक सिंगल फ्रेम क्लिक करने से बात आगे, हाँ, वो जो एक भूख बढ़ी, वो एक ही जगह पे एक फ्रेम में कई सारा क्लिक करना, ये इस तरह का एक हैबिट बना। कहीं कुछ देखने में अच्छा लगता, लगता है अरे उसका पूरा मूवमेंट अच्छा है, पूरा मोशन उसका अच्छा है, तो उस मोशन को खड़े खड़े हमारे पास, हम तो पहले एक रील में 24 36 36 क्लिक हम कर सकते थे, तो खड़े खड़े ही हम सब क्लिक कर दिया करते थे। तो वो एक नेचुरल टेंडेंसी और नेचुरल एक रिक्वायरमेंट बनी कि नहीं, अभी मोशन और मूवमेंट है जो खुद को पसंद आ रहा है। तब ये दिमाग में आया कि